रेगुलेशंस। घर में कील या पोस्टर्स नहीं लगने चाहिए। घर में कोई फंक्शन या पार्टी है तो मुझे भी बुलाना होगा। या श्योर, आप खुद ही एंटरटेनमेंट हो। थैंक यू। ये लीजिए। ये क्या है? मेरे कंफर्ट के लिए, ये है मेरी कंफर्ट्स बुक। रॉबिन हुड्स कंफर्ट्स। चलिए अब इसके ऊपर साइन कीजिए। तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। तुम्हारे ट्रीटमेंट भी अलग होगी। मेरे कंफर्ट के यहाँ सभी चीजें हैं, इसीलिए तो मैं इतना रेंट दे रहा हूँ। तुम्हारा कंफर्ट मेरा कंफर्ट है। अगर कंफर्ट में कमी हुई तो FBI को बुलाओगे क्या? I mean, अमेरिकन पुलिस। तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम होगी तब ना। सारी प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। टेक दिस। याद करेंगे, जरूर करेंगे स्मार्ट बॉय। बहुत गलत कर रहे हैं सर। बजाते बजाते गंजा हो गया। ईडी बाहर गया है, वापस आने में 3 महीने लगेंगे। सूरी बाबा, हा? इतने आसानी से जमीन पर कब्जा किया और कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया, कैसा देश है ये? यहाँ ऐसे ही होता है। क्या होगा इस देश का? हाँ हाँ, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। ये नहीं बनेगी। 3 महीने बाद आऊंगा। रुक जा! पता लगा ये कार किसकी है। नर्स, डॉक्टर, कोई है क्या? एक्सीडेंट केस है, इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। सर्जरी के लिए रेडी कीजिए जल्दी। बीपी चेक करो, ब्लड ए पॉजिटिव। जल्दी चढ़ाइए, बहुत खून। क्या इमरजेंसी आ गई? क्या हुआ तुम्हें? बताओगे क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत बड़ा घाव है। नर्सेस का एक्सरे निकालो। इसकी जरूरत नहीं है, सेकंड लेयर रप्चर हुआ है, घाव बहुत गहरा है। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। डॉक्टर तुम हो या मैं? मैं हूँ। एंटीबॉडीज ले आओ। सिफ्रॉन नहीं है, सिफ्रेक्सॉन। वो है। कौन था वो? जेट चल रहा का बलराम। अभी कहाँ है वो? चल छोड़ना। वो अभी कहाँ है बता? 14 केसेस है, वो MLA बनने वाला है, पता है तुझे? वो अभी कहाँ मिलेगा बताता है या नहीं? जेट चल रहा। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा? सर पेन किलर? सर नहीं, नहीं चाहिए। अरे? नहीं चाहिए, ये दर्द इतनी आसानी से नहीं जाएगा। 2 घंटे में आता हूँ, बेड रेडी रखो। क्यों सर? आपके रेस्ट के लिए। जट चरला में बलराम कौन है? अब समझ में आया जट चरला का बलराम कौन है? तेरी ये हिम्मत कि मेरे ही जट चरला में आकर मेरे बारे में पूछताछ कर रहा है, तेरी ये हिम्मत? तूने बहुत बड़ी गलती कर ली। ये ले, अब पता चला बलराम कौन है। यहाँ पर शान पत्ती बलराम कौन है बे? सूरी बाबा, इसे संभालना। मुझे ट्रीटमेंट के लिए टाइम भी नहीं मिला। कौन है ये बलराम? कौन है? सामने आ! मैं हूँ। थोड़ी देर पहले ये गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। तू कौन है बे? बीच रोड में मुझे उड़ाकर चला गया, जिंदा है या मर गया ये देखे बिना ही। एक तो मेरा इतना सारा खून बहा दिया और ऊपर से मुझी से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तेरा शरीर ही नहीं, तेरा दिमाग भी सांड जैसा है बल्लू। सॉरी बॉल। सॉरी बॉल। ए बल्लू। सॉरी बॉल। सॉरी बॉल। सॉरी बॉल। ए बल्लू, तुझे नहीं मारूंगा, एक बार बोल दे। पकड़ो इसे, यहां से जिंदा न जाने पाए।
सॉरी। बल्लू शांत पत्ती बलराम और बल्लू, बहुत अच्छा। जब तक तेरे मुंह से मैं सॉरी शब्द नहीं सुन लेता ना, तब तक मुझे कंफर्ट नहीं फील हो रहा था ना। है? अब सब ठीक है, चलो। कुछ तो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बल्लू अंदर ही अंदर कुछ बात कर रहा है। ये कैसी आवाज है बल्लू? ये तो बहुत जोर से धड़क रहा है, सच बता बात क्या है? सॉरी तो बोल दिया ना। तूने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन तेरे अंदर क्या चल रहा है ना वो मुझे बता। चल चल बता ना बल्लू, सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा हरामजादे। जिंदगी की कीमत होती है, समझ गया? हाईली मेंटेन बॉडी को डैमेज कर दिया, देख रहा है? देख रहा है? बीपी बढ़ गया है, अटैक आ सकता है, रुक जाता हूँ। आओ। नर्स, वन पेन किलर, वन एथेनॉल। निकल ले, दर्द चला जाएगा। Look, sir, basically, I am a very, very comfortable person. अगर कोई मुझे उचको फाइंग, उंगली फाइंग या फिर चीटो फाइंग, I'll become the most complicated person on this earth. So please, don't make me angry. Ha, so, अब तुम्हें ठंडक महसूस हो रही होगी. Is it okay? Okay? Take care, Balloon. रॉबिन ने अपने कंफर्ट के लिए बलराम को मारा, लेकिन अनजाने में उसने जनता को कंफर्ट दिलाया। बलराम का नामो निशान मिट गया। जब वहां के लोग खुशियां मना रहे थे, तब कोई उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। अब विलासपुर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। सच है जैसे हमारा विलासपुर है, वहां है जटचेरा, यहां ठाकुर है और वहां बलराम था। हमारे जैसे ही वहां के लोग भी बलराम की गुलामी कर रहे थे। उसको सबक सिखाने वो बलराम को अकेले ही उसी के लोगों के सामने आधे घंटे में उसकी हुकूमत का सर्वनाश कर दिया। उसकी मार को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो ठाकुर को मार रहा है। वही आदमी को अगर हम विलासपुर में ले आए तो लाए तो ठाकुर खत क्या वो हमरे लिए आएगा? नहीं आएगा। काहे? सर उसने जबरदस्ती मेरे खेत के सारे पेपर्स रख लिए हैं सर। हाँ तो आप हमें दिलवा दीजिए सर। मैं क्यों दिलवाऊं? आप दिलवा लें सर। खेत किसका है? मेरा। प्रॉब्लम किसकी है? मेरी है सर। तो मैं क्यों मदद करूं? अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना चाहिए, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे? उसका अपना प्रॉब्लम है तो खुद ही दूर करेगा, लेकिन दूसरों का हो तो वो से एक कोस दूर रहेगा, वो नहीं आएगा, तुम्हारी समस्या कभी हल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो हमारे गांव आया तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। एक ठाकुर 100 आदमियों को काटता है, लेकिन वो अकेले ही 100 ठाकुरों को कुचल देगा, याद रखना। जिस तरह उसके कदम जटचरला में पड़ते ही वो जगह आबाद हो गई, वैसे ही उसके कदम बिलासपुर में पड़ते ही आबाद हो जाएगी, आबाद हो जाएगी। उसमें कुछ तो है। अगर हमरे मासूम बच्चों को बचाना है, अगर हमें खुशी से जीना है तो उसे विलासपुर में आना ही होगा। किसी भी तरह उसे यहाँ लाना होगा। मीटिंग चल रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर।
अरे चंदन, तुम तो भाग गए थे, फिर लौट कर कहे आए हो? नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते को बस्ते में रख, तू ही यहाँ मीटिंग बिठाया है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चल बोल, क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं है चाचा। तुम्हारा कुछ नहीं का मतलब हुआ कि कुछ न कुछ तो जरूर है। इससे पहले कि हम तुम्हारा बैंड बजा दें, इसे बंद करो और निकल जाओ। ठीक, चलो सब जाओ, मैं चलता हूँ। ए चंदन सुनो, चंदन रुक जाओ, ये मीटिंग से हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम लोगों को मरना है तो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरे अगर उकाई गांव में लाना है तो हम सब का तपस्या करनी पड़ेगी। अरे अरे क्या कर रहे हो, तपस्या ऐसे नहीं होती, पूरे गांव को एक साथ चलना होगा। क्या कर रहे हो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। बेवकूफी करोगे तो ठाकुर से कैसे लड़ोगे? अब सब बैठ जाओ। कैसे समझाएं, अगर उकाई गांव में लाना है तो तुम में से तीन लोगों को मरना होगा। तीन को मरना होगा। बहुत बढ़िया। अरे कर रहे हो, पकड़ा गए हो क्या? हमारे इंतकाल से गांव वालों का भला हो रहा है तो होने दो ना बाबा। मर गए, इस गांव के लिए तुम मर गए। हमें अब बहुत काम करने हैं। सबसे पहले तो हमें अपना मातृभाषा सीखना होगा। एक्शन। बिल सर, ये क्या शोर शराबा है? शूटिंग हो रही है सर। शूटिंग? वन कॉफी। अपनी कहानी बताओ। एक्शन बोलते ही रुको, एक्शन और कट बोलना मेरा काम है, तुम तो सिर्फ राइटर हो। वो क्या है ना सर, मैं कहानी ओपन कर रही थी। तो ठीक है, ओपन करो। मेरी कहानी में गटर के पास देसी दारू के दुकान के सामने हीरो का एक गराज है और हीरोइन रास्ते का कचरा उठाकर रात में बियर बॉटल्स कुछ भी बेचकर गुजारा करती है। मस्त है, एकदम झकास है, कैरेक्टर्स नेचुरल है। और अपने हीरो को किडनी कैंसर है सर। कैंसर? अरे आपको शौक लगा ना, आप आगे सुनिए। लकीली हीरोइन तीन किडनी के साथ पैदा हुई सर। तीन? व्हाट अ किडनी पॉइंट सर, साइंस फिक्शन। करेक्ट, लेकिन तीसरी किडनी कैसे दिखाएंगे? तीसरी लगवा देंगे सर। हाँ। सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेगी। अरे रुक क्यों गई बेटी? कट करते ही अब उस विलेन की एंट्री होती है। वो किडनी को इडली समझता है सर। किडनी को इडली? अरे वाह वाह वाह, किडनी को इडली समझता। और क्लाइमेक्स बस करो, मुझे स्टोरी पसंद आई। इस स्टोरी पर मैं एक हॉलीवुड मूवी बनाऊंगा। हॉलीवुड प्रोजेक्ट ऑन। क्यों सर, स्टोरी कैसी लगी? क्या कहा, हीरोइन को तीन किडनी है? ये कोई कहानी है क्या? ऐसा सिनेमा स्टार्ट हो ही नहीं सकता, सीधा फिनिश हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। अच्छी फीलिंग है ना सर। चल, कहानी कैसी होनी चाहिए? कैसे? पता है हीरो कैसा होना चाहिए? कॉमेडी कॉमेडी करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन होते ही इतिहास बनना चाहिए। माँ के पेट में कम्फर्ट नहीं मिला तो सातवें महीने में ही बाहर आ गया। अपने कम्फर्ट के लिए डॉक्टर बन गया। अगर किसी ने छुआ तो उसकी पूरी तरह से बैंड बजा दी। सिर्फ वो और उसका कंफर्ट और कुछ नहीं। क्या मैं ये कहानी लिख सकती हूँ? बिल्कुल, पूरे कंफर्ट से लिख सकती हूँ। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब तक इतना ही हुआ है। इसका मतलब? It's my life। आपको नहीं लगता सेल्फिश हो? अरे इसी को तो हीरो कहते हैं। हीरोइन के आने का वक्त हो गया। तुमको कैरेक्टर ठीक से समझ में नहीं आया। कम ऑन, फॉलो मी। Story, है कि की जरूरत, which is not very good, this is my attitude. चैनल
हूँ मैं क्या डूड, लिसन टू माई स्टोरी, है किक की जरूरत, विच इज नॉट वेरी गुड, दिस इज माई एटीट्यूड, दिल्ली की गद्दी के तुम ऊपर बिठा दो, या ताज पहना के मुझे राजा बना दो, ना किक मिले आराम से, किक मिलता है बस काम से, मैं जाना चाहता हूँ मेरे बस किक के नाम से, अरे सब मेरे संग नाचो, सब मेरे संग गाओ, सब मुझको पहचानो, शटका चढ़ाओ हुड, माय नेम इज रॉबिन हुड, ना पंगा लेना मुझसे, प्यार करता मैं सभी से, कॉज ऑल आर वेरी गुड, चैन ना मिला मुझे, लिसन टू माय स्टोरी बेबी, चैन ना मिला मुझे, कहूँ मैं क्या डूड, लिसन टू माय स्टोरी, है किक की जरूरत, विच इज नॉट वेरी गुड, दिस इज माय एटीट्यूड, मत करो, एक ही लाइफ है उसे कंफर्ट से जियो, हो जीना सभी को है जितना जिसका लिखा, मैंने तो दुनिया में बस यही है सीखा, इतना समझने में क्यों नहीं आता है, मरना है सबको इंसान भूल जाता है, मैं जाना जाता हूँ मेरे बस किक के नाम से, अरे सब मेरे संग नाचो, सब मेरे संग गाओ, सब मुझको पहचानो, चढ़का चढ़ाओ हुड, माय नेम इज रॉबिन हुड, ना पंगा लेना मुझसे, प्यार करता मैं सभी से, कॉज ऑल आर वेरी गुड, चैन ना मिला मुझे, लिसन टू माय स्टोरी बेबी, मिला मुझे कहूँ मैं क्या डूड, लिसन टू माय स्टोरी, है किक की जरूरत, विच इज नॉट वेरी गुड, दिस इज माय एटीट्यूड, चंदन जो एड्रेस बताया था वो यही है ना? लगता तो यही है। अब ध्यान से सुनो, कल से हमें इस रॉबिन हुडवा पर नजर रखनी पड़ेगी। नहाने के लिए पानी नहीं है और तू यहाँ गुच्छा मार रहा है। क्यों बे? ये तेरे अब्बा का घर है। अयला मारा? मेरा कंफर्ट मिस हो गया। कंफर्ट मिस हुआ तो मारेगा? मेरे शावर में पानी नहीं है। आई वॉन्ट माई कम्फर्ट। तो कम्फर्ट का मतलब ये है, बाहर में क्या कम्फर्ट, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन जुडिशियरी यू हैव साइंड अ बॉन्ड पेपर, समझे कमीने झोल। अरे हाँ, अमेरिकन बॉन्ड पेपर्स, कहाँ फंस गया मैं? सोचा नहीं था ये सौदा इतना महंगा पड़ेगा। कानून के दाव पेच कितने खतरनाक है। तुम्हारे लिए टैंकर मंगवाता हूँ। मुझे शावर चाहिए, वो भी अभी के अभी। ओके। ये लड़का तो बड़ा ही तेज निकला। अरे हाँ, उस कंफर्ट बुक में और क्या क्या होगा देखना चाहिए। पंडित, हाँ, ज्यादा गर्म हो गया। अरे रवि, धूप तेज है ना। मुझे अर्जेंटली वो कम्फर्ट बुक पढ़नी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे झेल पाते उस आदमी को तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे रॉबिन, इधर आ। क्या है? आजा, आज तूने मेरे रूल्स को ब्रेक किया है। अब बताओ, ये लड़की कौन है और कब से यहाँ रह रही है? वो क्या है, जल्दी बोलो। एक्चुअली मैं, कम ऑन, टेल मी। वहाँ सामने रहती हूँ। सामने वाली खिड़की के चांद का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी वही पूछ रहा हूँ पंडित, सामने वाली खिड़की का चांद का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? मेरा ही सवाल क्यों पूछ रहा है? सामने का घर तुम्हारा है ना? ओके,
एक खूबसूरत लड़की को इस घर में भेजकर उसकी खूबसूरती का फायदा उठाकर मेरे रेंट के पैसे खाकर मुझे इस जगह से निकालने का तुम्हारा प्लान था यू ब्रोकर? क्या कहा? ब्रोकर हूँ मैं? ए, वो जैसे महान पंडित को ब्रोकर कहता है। ये लड़की कौन है अभी पता लग जाएगा। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आई हो? मेरी सहेली ने कहा था कि आप भविष्य देखते हैं। मुझे लगा ये आपका घर है इसलिए मैं रात को यहाँ आकर वेट कर रही थी। क्या ये आपका घर नहीं है? अच्छा तो तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो। हाँ ये भी मेरा ही घर है। जस्ट फॉलो मी, उस घर में भविष्य बताता हूँ। सॉरी गलत समझा तुम्हें। पंडित क्या हुआ, ये मूर्ति क्यों तोड़ी? मेरी मूर्ति है, मैं तोड़ू चाहे रखू। ऐसा करने से तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं जो तुमको रेंट देता हूँ वो इन मूर्तियों के लिए और यहाँ की सारी चीजों के लिए है। मेरे टेस्ट की सारी चीजें यहाँ है इसीलिए मैंने घर लिया। सो मेरे कम्फर्ट के लिए वो चीजें वहाँ रखो। इज दैट क्लियर? यस। Just now, I'm entering into clearance. Same to same, मुझे वैसी ही चीजें चाहिए। अगर नहीं मिली तो क्या कह रहे हैं? तुरंत वैसी ही मूर्ति कहाँ मिलेगी सर? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम टाइम मूर्ति यहाँ नहीं होगी तो मेरे कंफर्ट का क्या होगा? तो बताइए मैं क्या करूँ? एक काम कर पंडित, जब तक मैं घर पर हूँ तुम ही वो मूर्ति बन जाओ। हाथ ऊपर। जब मैं घर के बाहर जाऊंगा वैसी मूर्ति लाकर यहाँ पर रख देना। कंफर्ट बुक लेते समय इस पंडित ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। और डार्लिंग तुम क्या लिख रही हो? मूर्तियों के रेंट देने वाले पहले शख्स। क्या सीन है। और तू हसीन है। रात को मैं होश में नहीं थी, घर जाने की हालत में नहीं थी और तुमने मुझे हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए थैंक यू। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मूर्ति बात करती है क्या? नहीं करती। मुंह बंद रख। अब बोल रहे। रॉबिन डीडी आ चुका है। मैं अभी आया। हाय डीडी, मैं रॉबिन हुड हूँ। आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम वर्जीनिया टू मीट यू। ये जमीन दरअसल मेरे दादा की है। चिक्का बेटा है। पहले तुम्हारे बाप और दादा ने फाइट किया, फिर वो दोनों कोर्ट गए और मैंने कंफ्यूज होकर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लेकिन इस साइट के पेपर्स तेरे पास थे मुझे पता नहीं था। मेरे पास तो टिश्यू पेपर भी नहीं है। ओह बेचारा, अब क्या करेगा? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कोई आइडिया तो बताओ। बेस्ट आइडिया दूं तुझे? हाँ। टिकट कटवा ले। नहीं कटवाया तो मैं तुझे टपका दूंगा और फिर तेरी बॉडी को अमेरिका भेज दूंगा। और फिर भी नहीं माना तो इस ग्रेनेड से तेरी बॉडी की धज्जियां उड़ा दूंगा। ए, मैं भी इस ग्रेनेड जैसा ही हूँ। इस पिन से मुझे कंफर्ट मिलता है। निकाल दूँ क्या? देखा, तुम्हें भी ऐसे उड़ा सकता हूँ। क्या रे, धमकी देता है मुझे? धमकी नहीं दादागिरी नहीं, कंफर्ट गिरी। मुझे कंफर्ट नहीं मिला तो अथड़िया निकालकर गिटार बजाऊंगा। माइकल जैक्सन का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, सुनेगा? सुनूंगा। इसे धमकी कहते हैं। तुम खुद मेरी जमीन वापस करोगे। जोकिंग? नो जोक्स, तेरी कसम तू ही देगा। हे हे, डरा मत मुझे। छी 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 छी, न डराऊंगा न धमकाऊंगा न मारूंगा न तोड़ूंगा। मैं तो तुम्हारी नजरों से भी दूर रहूंगा, फिर भी तुम मुझे मेरी जमीन वापस दे दोगे मेरे लाल। हे, कौन देगा? कौन देगा देख लूंगा मैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आंखें बंद करता हूँ तो कंफर्ट ही कंफर्ट नजर आता है, उसका चेहरा नजरों से हटता ही नहीं है। आप लालची हैं तो ऐसा ही होगा ना? तुम्हारे लिए भी मैं कम लालची नहीं हूँ। सच कहूँ तुम्हारे चेहरे पर तो लालच ही नजर आता। मुझे है। भी आप दोनों ही नजर आते हैं। यहाँ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक नहीं है तो हमारे बेडरूम में घुसेगा? बेडरूम का फैन न चलने से मुझे घबराहट होती है। तो फिर एक काम करो, तुम यहीं पर सो जाओ, मैं और मेरी बीवी बाहर सो जाते हैं। आओ भगवान। मुझे मेरे फैन के नीचे मेरे बेड में ही सोने में कंफर्ट मिलता है। समझ गया कम्प्लीटली। कितने आराम से सो रहा है कुंभकर्ण। स्पीड से घुमाओ, हवा नहीं लग रही है। ऊपर वाला करे तू, हवा हो जाए जल्दी। स्पीड से। अरे और कितनी स्पीड चाहिए? वो तुम सो जाओ,
एकदम कंफर्ट से। रात से ही मूर्ति बनकर खड़ा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी क्यूटनेस मुझे बहुत पसंद आया। आई लव यू। आई लव यू। तुम्हारा नाम क्या? चैत्रा। सॉरी चैत्रा, आई एम ऑलरेडी मैडली इन लव। कौन है वो लकी गर्ल? लकी गर्ल नहीं है, लकी बॉय। बॉय मतलब तुम? हट रहे। तुम अपने आप से प्यार करते हो? या, यू आर राइट। आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं खुद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन तुम अपने आप को क्यों रोक रही हो? तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो। हा? तो प्यार करो इतना कि मैं पागल हो जाऊं। मुझे इतना प्यार करो जितना दुनिया में कभी किसी ने किसी से नहीं किया। रॉबिन हुड मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसे होर्डिंग्स लगा दो। हा? अभी तो मैं इंडिया में हूँ, लेकिन शायद कल मैं कहीं और भी हो सकता हूँ। बस बस इतना काफी है। और एक बात याद रखना, अगर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया तो ना तुम उदास होगी ना दुखी। तो आज से मैं तुम्हारा लवर। ओके डन। मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पसंद आया। इन फैक्ट अब हमारा प्यार शुरू हो गया। चैत्रा आओ जल्दी से मेरी इन फैली हुई बाहों में समा जाओ। ओ हाँ, इसे भी पागल कर दिया तेरी तो। मुझे लगता है तुम्हें झप्पी पसंद आई। चलो अब यहाँ से जाओ जाओ जाओ। यस, मैं मर जाऊंगी। मिट जा। दैट्स द स्पिरिट। मेरे प्यार में खोई रहना। अरे तू चाहता क्या है? कहता है प्यार नहीं करता, नो नो कहता है, हक करता है। असली कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कंफर्ट है। सुन, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसे शॉपिंग ले जाओ, सिनेमा ले जाओ, घुमाने ले जाओ, इस तरह मेरा पूरा कंफर्ट चला जाएगा। अब अगर वो मुझसे प्यार करेगी तो मेरे कंफर्ट का पूरा ख्याल रखेगी। जब बोलूंगा तब जाएगी, जब बोलूंगा तब आएगी, जैसे मैं कोई छोटे सो बच्चा हूँ। यही तो कंफर्ट है। ये कंफर्ट नहीं है, सेल्फिशनेस है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, कंफर्ट है। अरे दोनों का मतलब एक है। दोनों एक है तो इंग्लिश में दो अलग अलग शब्द क्यों है? अभी अभी यहाँ से गई और मैसेज भी भेज दिया। कॉफी पिए क्या? श्योर, पहले शॉपिंग करेंगे फिर कॉफी पियेंगे। हेलो सर। बिल सर। मेरी जानू। सर तुमने मुझे बुलाया? एक बॉयफ्रेंड की शॉपिंग के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को बिल देते हुए पहली बार देख रहा हूँ सर। सच कहता हूँ, मैंने आज तक ऐसे पहले कभी नहीं देखा। लड़कियों से अपनी शॉपिंग पर इस तरह पैसे खर्च करवाने के लिए मैं तो कहता हूँ आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। मैं प्रेम में पड़ी हूँ, देर सांसों में बसी हूँ, देर मान जा तो साजना मेरे। तेरा ही साथ है, तेरी ही बात है, खुशबू बसी है मेरे सांसों में जो तेरी, मेरा अंग अंग महके। तू भी तो मेरी है जिंदगी, तू ही तो मेरी है बंदगी, तू ही सुकून है आशिकी है।
फैसला है। देख ले डार्लिंग, उस अमेरिकन में क्या है, रॉबिन हुड तुझे इस्तेमाल कर रहा है। हम भी किसी रॉबिन हुड से कम नहीं है। तू रॉबिन से बराबरी करेगा? लड़कियों को झूठा दिलासा देकर उनका फायदा उठाने वाले तो जैसो को मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मेरा फायदा नहीं उठाया। वो है रॉबिन और तू उसके पैर की जूती भी नहीं है। मेरी तो चैत्रा, एनी प्रॉब्लम? हाँ है ना, लेकिन आप उनका तब तक तुम ये एंजॉय करो, मैं इनसे निपट लूंगी। ओके। कभी सोचा क्या वो तुझसे प्यार करता है? हाँ वो मुझसे प्यार नहीं करता। फ्यूचर में वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं उसे पागल बना दूंगी। तू मुझे जानता नहीं। अपना हाथ हटा। एंजॉय। चैत्रा वो तुम थी, तुम्हारा ये रूप भी है, तुम्हारी डेयरिंग, तुम्हारा वार्निंग देने का स्टाइल माइंड ब्लोइंग। लड़की को ऐसे ही होना चाहिए चैत्रा, तुम्हारे जैसी कोई नहीं। थैंक्स। प्रॉब्लम है लेकिन वो तेरा नहीं अपुन का है। ओहो अब क्या स्टाइल है चैत्रा, तुम मुझे सच में पसंद आने लगी। रॉबिन तुम बार बार पसंद है कह रहे हो, मैं सच समझने लगी हूँ। तुम मुझसे दूर चले गए तो जी नहीं पाऊंगी। लगता है मुझे चढ़ गई है। चलो चलो ना, चलो भी। अरे किधर है तू? ओ कंफर्ट, तुम तो बाहर आ जा, आज तुझे तेरी कंफर्ट दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? हीरो को पता चल गया तो उसका दिल टूट जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। जब मेरा दिल टूट चुका है उसका क्या? ए, इसे पीने के बाद मैं सिर्फ अपना कंफर्ट देखता हूँ। बहुत टॉर्चर किया उसने, बुलाओ उसको। आज के बाद वो कभी मुझे टॉर्चर नहीं करेगा। उसकी कंफर्ट हराम करने के लिए मैं शाम से पी रहा हूँ। किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, सुबह से पी रहा हूँ। तू सुबह से पी रहा है? तो फिर कल बात करते हैं। पंडित तुम पीते भी हो, मुझे नहीं पता था। रॉबिन जब पीता है ना तो सबके साथ अच्छा दोस्त बन जाता है। फ्रेंड्स स्पेशल चकना। मुझे चिकन बहुत पसंद है। लॉलीपॉप मुझे दो, तुम दूसरा लो। रवि तेजा, हाँ तुम्हें भी चिकन पसंद है? वो क्या है ना, पीने के साथ इसका मजा ही कुछ और है। आई एम एंजॉयिंग इट लाइक एनीथिंग यू नो। रवि तेजा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? छोड़ो ना, सब अंदर ही छुपा के रखोगे क्या? बोलो ना, बोलो बोलो। बिल्कुल नहीं बोलो, जल्दी बोलो वरना कट्टी कट्टी फिर तू खा मट्टी। तू मेरा दोस्त है ना, एक पैग और लेना। दोस्त बोलता है दारू पीता है। ए पंडित आप क्या सोच रहे हैं? तू कितना अच्छा दोस्त है। तेरे दिल के अंदर से कुछ आवाज आ रही है, बाहर निकाल उसको। मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। जो अंदर छुपा के रखा है उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। अच्छा अच्छा वो मेंटल है, बहुत पी रखी है उसने। मैं भी मेंटल हूँ, मैंने भी बहुत शराब पी है। उसे बाहर निकालो, मेंटल वर्सेस मेंटल, बाहर निकालो, निकालो बाहर, बाहर निकालो, चल निकल बाहर। ए तू इंसान नहीं जानवर है, जानवर। बहुत बर्दाश्त किए तेरे नखड़े मैंने। कम्फर्ट चाहिए कम्फर्ट। अरे काहे का कम्फर्ट? धूल नहीं उड़नी चाहिए, खांसना नहीं है, थूकना नहीं है। ए तुझे इंडिया नहीं अमेरिका में ही रहना चाहिए। इडियट है तू, गोभी का फूल है तू। पंडित इसे कंट्रोल करने को बोलो। इसे ही ना सर। हाँ इसे ही। अरे ये मुझे क्या कंट्रोल करेगा, देख इसके टकले पर चमाट मारा मैंने, अब तुझे भी मसल कर रख दूंगा। पंडित इसे समझाओ। इसी को ना सर। हाँ इसी को। अरे आना, तूने समझा मुझको मामा, दिखा दूंगा कि मैं हूँ कामा। मैंने आपको बताया था ना सर, बहुत बड़ा मेंटल है, फोड़ डालो सर इसको। अरे आना, कह के मुझे डरा रहा है, हिम्मत है तो आना। पंडित तेरे अंदर का मेंटल मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैंने चैलेंज नहीं दिया था ना। तो मार भी तू कहाँ खा रहा है? पंडित उठो। अब कैसा लग रहा है? अरे तुम टेनेंट हो, मैं ओनर, फिर भी तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो। अगले जन्म में तुम ओनर बनोगे और मैं टेनेंट रहूंगा, फिर दिखाऊंगा मैं अपना पावर। इसके लिए अगले जन्म की क्या जरूरत है, इसी जन्म में बन जाता हूँ। बोल जो बोलना है। चैलेंज है क्या? डबल चैलेंज। एक दिन के लिए ओनर बनोगे? उसमें क्या, ये तो बहुत आसान बात है। आसान बात है।
सारी बातें इसमें लिखी हैं, पढ़ लो। ये मुझे क्यों दे रहे हो? अरे भोले, तुमने घर मुझे रेंट में दे दिया तो तुम कहाँ रहोगे? अब तुम हो इस घर के ओनर और मैं हूँ तुम्हारा टेनेंट। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं जरा बताना तो। नो रूल्स नो रेगुलेशंस। तो फिर मेरे कम्फर्ट्स का क्या होगा? कोई समस्या हो ओनर के पास आओ बस ना। या अब चद्दर तान कर आराम से सो जाओ। ड्यूटी नॉटी बॉय। ए, अब तुम्हें दिखाऊंगा इस पंडित का टॉर्चर कितना भयानक है। अब इस घर में मैं रेंट पर रह रहा हूँ। नो रूल्स एंड नो रेगुलेशंस। जो मन में आया वो करूंगा मैं। देखता हूँ कौन क्या कर लेगा मेरा। कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं। पानी खत्म हो गया। अरे रॉबिन हुड। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। वेरी क्यूट फोटोग्राफ। ये फोटो देने आया था क्या? अरे रॉबिन हुड, सिगरेट पीकर भूल गया तू ओनर है? अरे पंडित इतना गुस्सा क्यों? बाथरूम में पानी नहीं है, कैसे नहाऊं मैं? तो मैं क्या करूं? अरे नहाना है मुझे। उसके लिए मैं क्या करूं? इस घर के ओनर तो तुम ही हो। वो तो सिर्फ कल रात तक था। कल रात तक था मतलब? क्योंकि मैंने घर बेच दिया। बेच दिया? घर बेच दिया? वहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है, जाओ जाकर देखो। अरे ये क्या कर दिया? क्या हो रहा है यहाँ? ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। कहने से तुम्हारा घर हो गया? इस घर का मालिक मैं हूँ। क्या बकवास कर रहा है? रात को खरीदा और सुबह रजिस्ट्रेशन भी हो गया। ये सब कुछ मैं नहीं जानता। ये घर मेरा है बस। अभी बताओ। तुझे तो मैं देख लूंगा। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? हम तो गृह प्रवेश कर रहे हैं। उसने इसे भी बेच दिया? अरे सुनो मेरे पास ओनर मैं हूँ इस घर का। मैं घर का ना घाट का रॉबिन हूँ। तुम्हारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, इसीलिए तुम यहाँ पर आए, और आते ही तुमने पंडित का घर कब्जा कर लिया। गलत है ना? गलत वलत कुछ नहीं। पता है डीडी को हमारी जमीन कब्जा करने का आइडिया किसने दिया? किसने दिया? सुनो शिष्य, क्या जमीन है, भविष्य बदल जाएगा तुम्हारा। बस इस जमीन पर कब्जा कर लो। आइडिया पंडित ने दिया था। सच में? और इसीलिए दो घर गिफ्ट में मिले थे। अब देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है, सीधा डीडी के पास जाएगा ये। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, टेंशन मत लीजिए, दुनिया को तो आप रास्ता दिखाते हैं। भला आपको चौराहे पर किसने लाकर खड़ा कर दिया गुरुजी? क्या हुआ था? कब्जा। उसने मेरे घर पर कब्जा किया और मुझे तड़ीपार कर दिया। जब तक तुम उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं करते, मैं अपने कपड़े भी नहीं बदलूंगा। उसे पकड़ कर आपके सामने खड़ा करके चीर दूंगा गुरुजी। शाबाश। रॉबिन हुड को फोन लगा। डीडी का फोन। हेलो। ओए रॉबिन। रॉबिन कलेक्टर से बात कर रहे हैं, आप बाद में फोन कीजिए। तुम कौन बोल रहे हो? जॉइंट कलेक्टर। वो क्या कलेक्टर को जानता गुरुजी? जब उसने मुझे चूना लगा दिया तो उसके लिए कलेक्टर क्या चीज है? स्पीकर ऑन करो और फोन लगाओ। हेलो, रॉबिन बात कर रहा है। रॉबिन सीएम के साथ सीरियस मीटिंग में बिजी है। आप कौन है? तेरा दिमाग खराब है क्या? उनके पीए से कौन है पूछते है? सॉरी रॉन्ग नंबर। उसकी तो बहुत ऊपर तक पहचान है गुरुजी। किसी सीएम का दायना हाथ नहीं है। तुझे बेवकूफ बना रहा है, समझ नहीं पा रहा है तू? वो बहुत चालू चीज है। तो उसके खून से ही स्नान करके मैं कपड़े पहनूंगा। फोन लगाइए गुरुजी। मैं खाने पर नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग खा लो। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रॉबिन हुड है सर। बिल्डर डीडी आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे क्या काम है? कुछ पर्सनल मैटर होगा। हेलो। अबे ओए रॉबिन हुड, वो दूसरे फोन पर बात कर रहा है, क्या काम है जल्दी बताओ। अरे तो तू कौन है, मंत्री है क्या? तू बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। अबे ओए रॉबिन हुड, कलेक्टर भी है तो डर जाऊंगा क्या? दारू पिया है क्या? तू पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा है? ओए अपनी आवाज नीचे कर। तू मेरे घर के आगे भौंकने वाला कमिश्नर, कुत्ता है तू। अबे पागल कुत्ते जैसा क्यों भौंक रहा है तू? अबे चुप, तुझसे डर जाऊंगा क्या? किससे बात कर रहा है जानता है तू? अपनी जबान को लगाम दे। ऐसे ही बात करूंगा मैं। पता है तेरी बीवी मुझे कितना चाहती है? मेरी बीवी? जैसे ही तू ऑफिस के लिए घर से निकलता है, तेरी बीवी मुझे घर पे बुलाती है। तू मेरी बीवी के साथ? और मैं वहाँ जाकर क्या बताऊँ? अरे सिर्फ इसकी ही नहीं, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। हम दोनों की डार्लिंग है वो, एक फूल दो माली, समझ गया ना? तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। घर पे ही हूँ, दम है तो आ जाना। शहर के सभी पुलिस के जवानों को यहाँ बुलाओ, इंक्लूडिंग होम गार्ड्स विद AK-47। ये आवाज कैसी है? लगता है कुछ शुभ होने वाला है गुरुजी। अरे बॉस, पुलिस की पूरी बटालियन आ गई है। पुलिस बटालियन, अटैक।
गुड मॉर्निंग सर। क्यों बे, तुम दोनों क्या कह रहे थे कि कमिश्नर तुम्हारा कुत्ता है? हमें पता नहीं था सर। तो उसे बुलाओ जिसे पता है। किसको सर? तुम दोनों की कॉमन डार्लिंग मेरी सोनिया। दा 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 दा, अरे आ लाठी ठोकना बंद करवाओ मैडम। मेरे दोनों डार्लिंग मेरे लिए रेडी हो ना। नहीं नहीं मैडम, हमसे गलती हो गई मैडम। आजा आजा। नहीं नहीं नहीं, मेरी सोनिया, ये हमारा घर है। अब मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। ये मैंने दरवाजा खोला। बाय। दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा अब घर में तुम अकेली हो। ओहो, अब तो मेरे पति चले गए। मैं डार्लिंग को फोन करती हूँ। हेलो स्वीटहार्ट। डीडी साहब, सर का फोन है, अटेंड करो। गलती हो गई सर, पैर पड़ा। अबे फोन उठा, नहीं तो मैं तेरी। फोन उठा, फोन उठा। हेलो डार्लिंग, मेरे पति चले गए हैं, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। मैडम रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर है। क्या हुआ सर? डिंग डोंग। मेरे डार्लिंग आ गए। इधर आओ, तुम तो मेरे डार्लिंग हो ना, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ। बोल ना। कमीने, मारो इसको। सुन, तेरे जाने के बाद एक और आता था और वो तीसरा डार्लिंग है। कहाँ है वो? हाँ? तुझे बुला रही है। क्या करूँ सर, नहीं देख सकता। देखना ही पड़ेगा, चल यहाँ से, चल। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? हमें बचा लो भगवान। मेरे प्यारे लाल। सोनिया मैं आ गया। मेरे पति आ गए, क्या करूं? ये क्या मेरे साथ धोखा? रुकता है या गोली मार दूं? चुपचाप छुपे रहना, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना, समझे? चलो चलो। ऊपर ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जान बचा। उसे वहां से उतरने मत देना, ले जाओ उसको यहां से। मुझे सजा मिल चुकी है, मुझे कोई यहां से ले जाओ, कोई मेरी जान बचा लो। इसे बिलासपुर ले चलते हैं। सॉरी। अब तुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भगवान है। ये क्या, तूने किस किस की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है? दिनेश सर, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं क्या सब यहाँ आए हैं? आए सर। सबके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो। अबे हंस कर दे, नहीं तो मैं हंस हंस के। पीछे मुड़ के देख। न डराऊंगा न धमकाऊंगा, तू खुद ही मेरी जमीन मुझे वापस दे दे। Nobody can cheat me. I love you, Diddy. अब भीख मांगना। कैप्टन, मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है। कैप्टन, मुझे मेरे घर जाना। इसे घर की याद कैसे आ गई? मैंने मना किया था ना। बोल, इसे घर की याद कैसे आ गई? बोल, 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 इसे घर की याद कैसे आ गई? Why?
टू अमेरिका। रॉबिन कहाँ जा रहे हो? अमेरिका। सच में तुम थी इसके लिए मैं इतने दिन यहाँ पर रहा, अब मेरा काम हो गया। तुम्हारी याद हमेशा आएगी। थैंक्स चैत्रा। चलो सूरी बाबा लेट हो रहा है, चलो। चल रहा हूँ। तुम सच में जा रहे हो? मतलब क्या? मुझे भूल जाओगे? और क्यों? I'm sorry चैत्रा, मैं थोड़ा ज्यादा फ्री हो गया था। मैंने पहले ही कहा था अगर प्यार नहीं हुआ तो दुखी मत होना। But you're my best buddy. सरी बाबा जल्दी करो। चैत्रा कहाँ वापस आ रही है? तू वहाँ क्या कर रहा था रे? चैत्रा वहाँ क्या कर रही थी? मैं हार गई। मैं टूट चुकी हूँ। क्या हुआ वादा मैं निभा नहीं पाई। सबसे पहले हमें अपना मातृभाषा सीखना होगा। सीखेंगे। वो हैदराबाद आया क्योंकि वहाँ उसकी जमीन थी। चर्च चला गया क्योंकि उसे बदला लेना था। बिलासपुर में वो क्यों आएगा? प्यार है, उसका प्यार। इस गांव में उसका प्यार है बाबा, हमारे दुख दूर करने के लिए। उसे प्यार के सिवा और यहाँ कुछ नहीं ला सकता। वो मेरे लिए जरूर आएगा। लेकिन बेटा वो तो स्वार्थी है, वो काहे प्यार करेगा? वो इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो अपने आप से प्यार करता है। अगर वो मुझसे जरा भी प्यार करता है तो काम बन जाएगा। मैं उसके दिल में अपना प्यार जगा नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब तो उसे यहाँ बिलासपुर आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा। अब हमें ईश्वर ही बचाएगा। सब घर में जाकर दिया जला के प्रार्थना करो। कहाँ रहते हैं? चैत्रा के साथ। क्या? Switch off your mobile. One minute. Sir, please switch off your mobile. One minute. Sir, please switch off your mobile. I said what? Sir, please switch off your mobile. Sir, please switch off your mobile. Are you comfortable? No.
Actually, I'm not comfortable. मैं comfortable नहीं हूँ. हेलो. चित्रा, तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों आऊँ भला? मैं वापस जा रहा था, पता था ना, सेंड ऑफ करने नहीं आ सकती. लेकिन क्यों? साथ रहे, वक्त बिताया, हम फ्रेंड्स हैं ना. तुम क्या कहने आए थे और क्या कह रहे हो? मैं बस यही कहने आया था. तुम झूठ कह रहे हो, ये तुम नहीं, कोई और कह रहा है. अब ये कौन है? तुम्हारे अंदर जो है ना, ओरिजिनल, वो क्या कहना चाहता है? तू कब मेरे दिल के अंदर बस गई? आई जस्ट कांट बिलीव इट. जब से मैं एयरपोर्ट गया हूं, मुझे बिल्कुल कंफर्ट नहीं लग रहा था. चित्रा, आई थिंक आई एम इन लव विद यू. भी आएगा. वो फ्लाइट छोड़कर मेरे पास आया जरूर था, उसे आना ही होगा. मैं उसके लिए कुछ छोड़ आई हूँ जिसमें अपने गांव का पता है. अब तक वो निकल चुका होगा. अरे साथ हो जाओ, साथ हो जाओ. वो अभी आया नहीं है. अभी तो असली खेल का मजा बाकी है. कौन सा खेल? अरे अमेरिका वाला को यहाँ लाया वो तो ठीक है, पर उसके आने से क्या होगा? वो ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम सब के लिए कुछ भी नहीं करेगा, समझ लो. अगर वो कुछ नहीं करेगा तो हम सब करेंगे. इतिहास में चाणक्य ने भी ऐसी ही चाल रची थी. हम सभी अपने दिमाग लड़ाएंगे और एक दूसरे को बिना पता चले ठाकुर और रॉबिन के बीच जहर घोल कर दोनों को आपस में लड़ा देंगे. वे कुछ भी हो जावे, ठाकुर तो मरेगा ही. कोई भी रॉबिन वा का रास्ता रोके तो उसका बिल्कुल पसंद नहीं है. उन दोनों के झगड़े में जो भी मेंटल है मारा जाएगा. रॉबिन के हाथों ठाकुर मारा जाएगा. हमरे इस गांव की मिट्टी में ठाकुर का नाम और निशान मिटाकर रॉबिन अमेरिका वापस चला जाएगा. और हम गुपचुप तमाशा देखेंगे. कितना बड़ा गेम है वो. चलो अब जाओ, या फिर ठाकुर के कहने से ही जाएगा. हाँ। हाँ। उसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद नहीं पटलेगा. हाँ। हाँ। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है. मतलब तुम लोग अपना दिमाग से वो दोनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा लगा दोगे? यानी इस गांव का सर्वनाश शुरू हो गया. पहले भी कह चुका हूँ, अभी दोबारा कहता हूँ, हम पूरे गांव वाले मिलके ये नाटक रच रहे हैं. हमारा काम यही होगा कि हम उका थोड़े दिन तक गांव में रहने को कहे. हमारा दुख दर्द हमारा आंसू से दिखना नहीं ना चाहिए. हम सब का उसके सामने खुश रहना होगा. उसे जरा भी तकलीफ होने न पाए, वरना वो चला जाएगा. जरा भी भनक नहीं होना चाहिए कि उसे कम्फर्ट नहीं है. हम की सिखा दी हम बनाई कमला भाई. कम्फर्ट मतलब खाना नहीं, कम्फर्ट मतलब कम्फर्ट. वो का होत बा, हमका बोला हम दे दें. कम्फर्ट मतलब खुशी. नहीं 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 नहीं, हम ना दें. अरे पगली, हम सब सुख दुख के ही तो साथी हैं. चुप रह, चुप कर दिया. कमला भाई, तू और तुम्हारी बिटिया खाने का इंतजाम करो रॉबिन का. ओके, चिंता मत करी. और हम क्या करें? तुम लोग तो कब के मर चुके हो ठाकुर की नजर में. तुम लोगों को देख लिया तो काट डालेगा तुम्हें. और तू शराब पीते ही सच बोलने लगता है, इसलिए रॉबिन रहेगा तब तक शराब मत पीना. ये पकड़ो, आज से हमारी शराब. अरे तुम लोग का आइडिया और कैरेक्टर सब बढ़िया है,
लेकिन अगर उसको सच पता चल गया तो ठाकुर को कैसे पता चलेगा? अरे हम रॉबिन हुडवा के बारे में बोल रहे हैं। तुम सब चैत्रा से प्यार का नाटक करवा कर उसको धोखा से यहाँ बुला रहे हो ना? अगर उसको इस सब ड्रामा के बारे में पता चल गया तो समझ लो कि ठाकुर से ज्यादा डेंजर ये रॉबिन हुडवा से होगा। ठकुरवा तो पहले से यह नया दुश्मन सर पर कहा बिठा रहे हो। अरे पिलान काम ना करेगा ना करेगा। तुम बहुत होशियारी से नाटक करना सभी लोग। बच्चे वापस आ जाएंगे और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे पैसा मांगा टिकट थमा दिया, ही पिलान काम ना करेगा। मेरी क्या गलती है? अरे तू अपना मुंह बंद कर और फिर से सारा नाटक शुरू कर। रॉबिन के पहले हमें गांव पहुंचना होगा। जहाँ भी देखो मैदान ही नजर आ रहा है। अब एड्रेस किससे पूछूं? इन्फॉर्मेशन डेस्क, वो भी इस भाषा में। लगता है उसे ढंग ढंग। अब क्या हुआ? पैसा पैसा तो तुझे पैसा दिया था, फिर से पैसा पैसा कर रहा है। चल भाग यहाँ से, चल चल हट। हेलो, कहिए सर, क्या चाहिए? तुम हिंदी जानते हो? आप भी जानते हैं? हाँ। फिर तो हम दोनों एक ही गांव के हुए ना। आप चले गए शहर, हम रह गए यहाँ। ओहो, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सिगरेट, मेरा ब्रांड तो यहाँ नहीं मिलेगा। यह है आपका ब्रांड? मेरा ब्रांड और यहाँ पर? दैट इज बिलासपुर। लाइटर का आप यहाँ लड़की के लिए आए हो? तुम्हें कैसे पता? ये सब क्या हो रहा है? हमारे गांव की एक लड़की लापता हो गई थी ना साहब, अब वापस आ गई है, इसलिए ये सब जश्न मना रहे हैं। चैत्रा नाम की एक लड़की है। अरे ये फोटो किसकी? ये तो हमारे गांव की देवी है। अरे मैं भी इस देवी से प्यार करता हूँ, इसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मतलब आप हमारे गांव के दामाद है? गाँव वालों, अरे यहाँ यहाँ, हमारी चैत्रा का बूढ़ा आ गया भाई। आ गया, तैयार हो जाओ। सुनो, हम सरदार बिल्लू सिंह हूँ, समझे कि नहीं? तुम सब हमरे लिए काम करते हो, मतलब ये नाटक है सरदार नहीं, चैत्रा हमारी बेटी है, ऐसा हमें रॉबिन हुड के सामने नाटक करना होगा। मुझे तो ऐसे सारे नाटक करने में डर लगता है। डरती हो भाभी, अब तुम दोनों पति पत्नी हो और चैत्रा तुम्हारी बेटी है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो क्या हुई? तो इसका मतलब हम हूँ दूसरी शादी का नाटक कर सकते हैं का? अरे चुप रे, वो आ गया। नौटंकी शुरू। सरदार खामोश।
गोरखपुर में हमारी बात ही सच है ना? है कि नहीं है ना? यही है सरदार बिल्लू सिंह का फैसला। रुक जाओ, रुक जाओ। ये कौन है? कौन? ये आपके ससुर है, सरदार बिल्लू सिंह। हाँ, तुम्हारा ससुर है। और वो आपकी सास है। मैं ही सास हूँ, बाबा की पत्नी। हाँ, सही बोले ना? अगर तू ओकरी पत्नी है तो हमारी कौन है? ये उसकी पत्नी है। यही पता है। चलेगी। खामोश, ये कौन है? आपका होने वाला दामाद है सरदार। शहर में ये और आपकी चैत्रा ने मैंने प्यार किया था। खामोश, अभी फैसला करता हूँ। चैत्रा, अरे ओ चैत्रा। आई बाबा। तुरंत आओ। कहिए बाबा, कौन है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? देखो, ये रॉबिन हुडवा को तुम जानती हो? इसको मेरा नाम कैसे पता? हम बताएं का। तुझे कैसे पता? अरे ये बोले ना, ये भिखारी। पैसा 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 तेरी। क्या तुम्हारा उसे लव अफेयर है? हाँ बाबा। नहीं नहीं कहने पर भी पढ़ने के लिए शहर भेजा था। कहानी लीक होगी सोचा था। अब तुम प्यार की कहानी घर पर ही लेकर आ गई है। रॉबिन बहुत अच्छा इंसान है बाबा। हम का बहुत बुरा इंसान हूँ? तोरी शादी शंभू से ही होगी। उसका पिताजी ऊपर से देख रहे हैं हम का। नहीं, नहीं ना। हाँ कहो। अच्छा सुनिए, अपनी बेटी की तो बात मान लीजिए ना। रोमक पगली, बहुत जोर से लगी का? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे ही शादी करूंगी। अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्लू सिंह का लास्ट दिखेगा। खोलेगा क्या? ओवर एक्टिंग कर रहे हैं भैया। भैया आमोस, बोलो भाई। अगर सरदार को ये लड़का इतना पसंद है तो सोचो बाकी सबको कितना पसंद होगा। तो बहुत अच्छा लड़का है। क्यों ना इसे हम लोग कुछ दिन अपने गांव में रुका ले। चाहे तो हमारे गांव में ही बसता हो। अगर सबको ये लड़का पसंद आ गया तो चैत्रा की शादी इससे ही करेंगे। ये लड़की का बाप होने के नाते हम फैसला करता हूँ। तोहरे खातिर, इस गांव के खातिर, रॉबिन हुडवा को इस गांव में 30 दिन रहने का अनुमति देता हूँ। तो ये बात सबको मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? चलो दरबार खत्म होगा। बैठो बैठो बैठ जाओ सब लोग। मेरे बारे में तुम सब कैसे डिसाइड कर रहे हो? चैत्रा, मुझे लगा तुम प्रॉब्लम में हो इसलिए यहाँ आया, लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूँ हर कोई अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अगर ये अमेरिका होता तो बस इन्फॉर्मेशन देना था, परमिशन की भी जरूरत नहीं थी। तुम्हारे बाप की ओवर एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए उसके परमिशन भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट ट्रेन कब है? मत बता। नेक्स्ट ट्रेन कब है? बाबा पैसा मार खा के ही बताएगा। नेक्स्ट ट्रेन कब है? हमको नहीं पता। एक घंटे के बाद है। थैंक यू वेरी मच। चैत्रा मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलना है तो स्टेशन आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। ये प्लान काम नहीं करेगा। क्या हुआ? हमारे गांव में तुम्हें नहीं जा सकते, हमारे गांव का रिवाज है, अब तुम पे नहीं जाएंगे, तुम्हें खाना खाने से नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत मुश्किल से प्लान किए थे, है ना? हाँ। फेल हो जाएगा। ये प्लान था? बाबा पैसा दे, जब भी बात करते पैसे मांगते। चल चल यहां से। कितनी तकलीफ उठाकर आपको रेलवे स्टेशन से यहाँ लेकर आए। एक बार चैत्रा से बात कर लीजिए ना, एक बार कर लीजिए हमारी खातिर। चैत्रा मौका मत गवाओ। चला चला। क्या चैत्रा, ये सब क्या हो रहा है? 30 दिन तक यहाँ रहना होगा, 30 दिन तक। हाँ। ये छोटा गांव है, यहाँ ऐसा ही होता है। दो लोगों के प्यार करने से कुछ नहीं होता, बड़ों की बात माननी पड़ती है। क्या मेरी खातिर तुम यहाँ कुछ दिन नहीं रुक सकते? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते रॉबिन? देखो सिर्फ 10 दिन की बात है, प्लीज। उसके बाद अगर तुम्हें ये गांव पसंद नहीं आया तो तुम जो चाहो वो करना। 10 दिन यहाँ पर कैसे रहूंगा? प्लीज। ओके, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे रोज एनर्जी चाहिए। ओके, एनर्जी दो जरा। ये लो एनर्जी। इस गांव में ये सब कहां से आया? मैं इस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जो मांग रहा है दे दो ना।
आजा 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 आहा। चलो एनर्जी तो मिल गई, सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन इस खेड़े गांव में वो कहां से मिलेगा वो? ए, मेरे गांव के बारे में कुछ मत कहना। हाँ तुम्हें जो भी चाहिए वो यहाँ मिलेगा। मुझे यहाँ पर रोज शहर वाला चिकन खाने मिलेगा, बताओ तो। स्पेशल चिकन, स्पेशल चिकन। आ, रुका, रुका, ए, मुर्गी वाले, इस ब्रांड का चिकन इस गांव में? ये मेरा। तू ही देना। मेरे गांव में कई टूरिस्ट भी आते हैं। आते समय चिड़ियाघर नहीं देखा? या, या, या। और उस चिड़ियाघर को देखने के लिए रोजाना 3 फॉरेनर्स आते हैं। ऊपर एक्टिंग मत करो बेटा, वो समझ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग गांव है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं यही रहूंगा। जब जब धरती पर पाप और जुल्म बढ़ा तो तब तब कृष्णा ने कोई योद्धा भेजा, तीर में उसके ताकत इतनी चीर दे सबको, आ गया है अवतार ऐसा, बदला लेने अब अपने गांव में भी है उसके साथ सबका आशीर्वाद। इंतेहा अब शुरू हुआ, दुश्मनों से घिरा हुआ, अधर्म का जाल है बिछा हुआ। इम्तिहान, इम्तिहान तेरा है इम्तिहान। रणभूमि है सजी हुई, शस्त्रों से है लदी हुई, युद्ध का आरंभ होना है, होना होना। गीता में कृष्ण भी अनजान था, ब्रह्मा ने कही ये बिना लिखा था। दोनों का नाच गाना देखे ना तो पसंद कहे नहीं आएगा। ऑपरेशन शुरू। बताता हूँ देखो। अबे गधे, ठाकुर की हवेली में बर्तन घिसने चलना है। मैं नहीं आऊंगा, कह देना, चल फुट। आज तो जरूर इसका कुटाई होने वाला है। तेरा दिमाग खराब है? हाँ है तो क्या करेगा। हाँ। और कितना दिन तुम्हारी गुलामी करेंगे? ऊपर वाला सब देख रहा है, बहुत बुरा होगा अगर हमरा। अरे हमका बचा लो बाबू, इस अन्याय से हमका बचाओ। बाबा पैसा दे।
वाली अन्याय देखा बाबू? मारने के बाद उन लोगों का लॉरी में ले जाते। अन्याय? उसने तो उन दोनों को सिर्फ मारा है। अगर मैं होता ना तो लॉरी के नीचे कुचल देता। कहे बाबू? जिसे काम धंधा नहीं है उसको ले जाकर वो लोग काम दे रहे हैं और वो उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। अरे वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसको एनकरेज मत करो। लेकिन ठाकुर अच्छा इंसान नहीं है साहेब। तू चुप कर। क्या ये गांव में कोई महापुरुष कभी नहीं आएगा और ये अन्याय को खत्म नहीं करेगा? कोई क्यों आएगा, यहाँ तो कोई पागल ही आएगा, मेरे जैसा पागल प्रेमी। भेजा खराब हो गया है, एनर्जी चाहिए। मेरी एनर्जी कहाँ है माय बेबी? कहाँ से ला रहे इसको? ये कुछ करने वाला ए? नहीं है, सबका पिलान चौपट होगा। तू अपना स्वार्थ देख रहा है, हम अपना स्वार्थ काहे नहीं देखेंगे? स्वार्थ का है सागर, पियोगे तो वो जहर बन जाएगा। हिम्मत से है आगे बढ़ना, पहाड़ भी झुक जाएगा। बेखौफ तू आगे बढ़ना, ये वक्त भी रुक जाएगा। अपनी छोटी सी दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। ओ वे रंग हमारी जिंदगी में तू रंग भरने आया, फिर से जिंदा होने की उम्मीद है तू लाया। वानरों का राजा जीतने है आया, यहाँ मासूमों के दुख को उसने है दिल से अपनाया। अब तो हम सब को मिलेगा हक अपना। अब शुरू हुआ दुश्मनों से घिरा हुआ, अधम का जाल है बिछा हुआ। ऑपरेशन टू, हम खुद रॉबिन हुड घर पर तोड़ फोड़ करेंगे और कह देंगे कि ठाकुर के आदमी ने किया है। हमारे ही आदमी ठाकुर के आदमी का भेष बदल कर रॉबिन को ठाकुर की तरफ से वार्निंग देकर जाएंगे। अब रॉबिन को गुस्सा आएगा और वो ठाकुर के पास जाएगा। मत बल ठाकुर खत्म। तुमको हमारे गांव में आने का परमिशन किसने दिया बताओ? मैं तुम्हारी परमिशन क्यों लूं बे? ये गांव में आने के लिए ठाकुर का परमिशन लिया? ठाकुर ठाकुर ठाकुर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर कौन है भैया ठाकुर? बताओ क्या? तुझे पता नहीं हमारा ठाकुर कितना खतरनाक है? मैं कितना खतरनाक हूँ तुम नहीं जानते। ठाकुर का जाके मार, हमका मार करके इनाम जीतेगा। दम है तो ठाकुर का मारो। जाए मर्दानगी दिखाई अपनी। हाँ मार के दिखाओ। हाथ में चूड़ियां पहनी है का? मारो ना। कहाँ है तेरा ठाकुर? चल आ जाओ। अब तो खेल शुरू हुआ है। ठाकुर के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ए, ये बताओ हमारे जैसे घोड़े कौन लाया है? तुम बताते हो कि नहीं? हमें जाने रहे थे। तुम तीनों तो मर चुके थे। क्या ये ठाकुर के आदमी नहीं है? तुम कौन हो? मैं शहर से आया हूँ, रॉबिन हुड। नाइस मीटिंग यू। ये लोग ठाकुर के नाम से मुझे डरा रहे थे। देखो मेरा सामान भी उठा के बाहर फेंक दिया। कौन है जो ठाकुर के नाम से डरा रहा है? बोलो। ठाकुर के बारे में बहुत बुरा कह रहे थे। हमें छोड़ दो, हम तो मजाक कर रहे थे। यहाँ जरूर कुछ गलत हो रहा है, सच सच बताओ वरना। चोर है साहब, चोर है। अरे ये लोग अपनी बीवियन को विधवा बनाकर अपने आप को मरा हुआ साबित करने का ट्राई कर रहे थे साहब। तुम तीनों की चार बीवियां कैसे हो सकती हैं? मेरी दो पत्नी है साहब। सब झूठे। माफ करो साहब, कल से हम भी काम पर आएंगे साहब। अरे बॉस, इन लोगों ने कोई मामूली गुनाह नहीं किया है। जैसे इन लोगों ने मेरा सामान तोड़ा वैसे इनके हड्डियां भी टूटनी चाहिए। आज इन तीनों को मेरे हवाले कर दो, कल जब चाहे इनको ले जाना। तुम कहां से ला रहे इसको? ये अच्छा आइडिया है, चलो। हेलो बॉस, ठाकुर को हेलो और थैंक यू करना मेरी तरफ से। मेरे घर का सामान तोड़कर मेरे घर की वाट लगाई? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन धोखा नहीं। बाबा!
दर्द हो रहा है, तुसी हंस रहे हो? भूखे कोड़े मारने से हमका बहुत दर्द हो रहा है। अगर इतने ही गुस्से से वो ठाकुर को मारा तो ठाकुर का हालत होगा? हमका तो साफ साफ नजर आवत है, तुम सबका नजर आवत है। अब दर्द कम हुआ ना? चुप! सुनो पागल लोग, उसको जब पता चला कि तीनों धोखा दिए तो कुट कुट के मारा। अब सोचो, अगर उसको पता चला कि पूरा गांव उसको धोखा दे रहा है तो क्या प्रलय मचाएगा? मुझे धोखा दिया। तुम लोग यही सोचकर डरते रहो और वहां मजा लूट रहा होगा। मैं ये क्या कर रहे हो? अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। चैत्रा, आराम। ए चैत्रा, अभी आई जानू। क्या हुआ, हमारे प्यार में डिस्टरबेंस क्यों डाला? कल से तुम दोनों को ऐसे मिलने नहीं देंगे हम। आया ना? आया ना, बाद में बोलना, पहले अपनी बीवी को संभालो, दड़ियल के साथ खड़ी है, देखो। जाने दो बाबू, वो तो बहुत मेहनती है, 24 घंटा हमरे लिए काम करत है। आप सो जाइए जान। थक तेरे की, तू और तेरा काम। हट। तू कैसे भूल गई कि तुम्हारे पिताजी मारे गए थे? कितने दिन हो गए, तुम कुछ कर नहीं सकी। हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। ए, चुप कर। तुम लोग परेशान इसलिए हो कि जब से वो आया है कुछ नहीं हुआ है, और मैं परेशान इसलिए हूँ कि वो ये गाँव छोड़कर किसी भी वक्त जा सकता है। मैंने उससे प्यार का नाटक किया किस लिए? गांव की भलाई के लिए ना? और तुम सब मुझे गलत कह रहे हो? अरे तुमको कौन बोला प्यार करने को? चल हट। इतने गांव के लोग जब उससे प्यार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं? हाँ, मैं उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? बस मेरे प्यार को गलत मत समझो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बेटी, हम तो सब के सब ना समझ हैं, हमें माफ कर दो। कोई लाभ नहीं होगा, अब तो चुलबुल पंडित को बुलाना पड़ेगा। गांव के कुछ काम आए, इसीलिए मैंने उस गिरे हुए पंडित को विलासपुर के गांव वालों का भविष्य बताने के लिए ठाकुर की हवेली में सेट कर दिया। गुरुजी, अब ध्यान से सुनो। ठीक है गुरुजी। बलवंत सिंह ठाकुर। क्या हुआ गुरुजी? तुम्हारे ग्रह मुंह फेर कर बैठे हैं, जैसा मैंने कहा वैसा ही पहना है ना? अरे जो आप बोले वही कलर तो पहना है गुरुजी। और अंदर ब्लैक पहने। तुम्हें मालूम नहीं, मेरी एक तीसरी आंख भी है जो सब पता लगा लेती है, बस उसे तुरंत बदलो। दिखाते हैं ना अभी। क्या कर रहे हो? अंदर जाकर बदलो। गुरुजी, दूध। क्या भक्ति है, मैं भाग्यशाली हूँ जो इतनी दूर से आप सबके बीच में आया। अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ। का है ना, हमारा प्रॉब्लम रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड यहाँ क्या कर रहा है? वो हमारे गांव के एक लड़की से प्यार करके हमें परेशान कर रहा है पंडित जी। वो सच्चा प्रेमी कभी नहीं बन सकता, कंफर्ट कहता है। फोटो स्वाहा, यही है ना वो? इसका इतिहास भूगोल मैं सब जानता हूँ। मेरा और तुम्हारा कॉमन एनिमी है ये। तुम उससे चाहते क्या? उसे खत्म कर डाला। वही मैं भी सोच रहा हूँ। उसका और बलवंत सिंह ठाकुर के बीच झगड़ा लगवा के मरवा डालेंगे। सच में कितना मजा आएगा, ठाकुर की एंट्री होगी और रॉबिन खलास। रॉबिन हुड बलवंत को मार डालेगा। पागल हो क्या? ठाकुर रॉबिन को मार डालेगा। हेलो डीडी। गुरुजी, हमें धूल चटाने वाले उस रॉबिन की मौत अगर देखनी है तो विलासपुर जल्दी आ जाओ। आता हूँ गुरुजी, विलासपुर आता हूँ मैं।
मैंने रॉबिन और बलवंत की लड़ाई की जगह फिक्स कर दी है। अब देखना मैं इन दोनों को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। चैत्रा कहाँ है? वो तो नदिया किनारे गई है। मैं कहूँगा तेरे छक्के छूटने वाले हैं बलवंत। क्या हो रहा है गुरु जी? हर पल मौत तेरे करीब आ रही है बलवंत। तेरा दुश्मन तुझे मारने के लिए इस गाँव में घूम रहा है। लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे गुरुजी? तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत नहीं। जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने आओगे तो प्रकृति में प्रलय मच जाएगा। बादल गरजने लगेंगे, कौवे उड़ने लगेंगे, आग भड़क उठेगी। जाओ जाओ, उसे खत्म कर दो, नहीं तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। आगवा गुरुजी, प्रलय आ गया, वो कहाँ? हमारा शत्रु यही कहीं है, जाओ उसे खत्म कर दो जल्दी। मेरी तलवार दो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वाह, क्या अरेंजमेंट किया है। आ गई बरसात। अरे बारिश भी आ गई, वो मेरा दुश्मन कहाँ है? अरे आग लगाओ। अरे तुमने गलत एंट्री क्यों मारी? दुश्मन, वो देखो रुक जाओ। उन दोनों में दुश्मनी पैदा करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे बाबूजी कैसे हो? मेरा शेर आ गया। ठाकुर साहब नमस्ते। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हो चौहान साहब? उस बुढ़े की पहुँच तो बहुत ऊपर तक है, फिर भी पिताजी के पैर पर। वो पावरफुल भले ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी पावर सप्लाई तुम ही तो हो। सोचो अगर तुम बन गए ठाकुर। भैया पापा बुला रहे हैं। हाँ, ये है शेर मेरा बेटा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बोल बेटा, क्या गिफ्ट चाहिए? मांगो बेटा, जो दिल करे मांगो। बाबूजी जैसा पावर चाहिए मुझे। ठाकुर बनना है पिताजी। तुम ठाकुर ही हो बेटा। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। मैं ठाकुर का बेटा हूँ, लेकिन ठाकुर नहीं। मेरे हाथ दूसरों के गर्दन पर होने चाहिए, किसी का हाथ मेरे कंधे पर नहीं। बदमाश कहीं के। बाबूजी मुझे आप मेरे जैसा बनने में अभी वक्त है, जाओ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो।
चलो जाओ, नहीं तो मारूंगा। दोस्तों के पास जाओ। सुलेमान सिंह इज द ओनली पावर। अरे मुन्ना, वो मन्नत मांगने वाला पोजीशन नहीं है, उसके लिए गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। तुम तो बचपन में मुर्गी कटते हुए देख के डर गए थे। ए, ये मुर्गी और इंसान में फर्क नहीं समझता है ठाकुर। दारू पीकर गुस्सा ठंडा मत कर, मर्दानगी दिखा, मर्द हो ना। तू कभी ठाकुर नहीं बन सकता। ये मुर्गी और इंसान में फर्क नहीं समझता है ठाकुर। कभी ठाकुर नहीं बन सकता, समझे? कभी ठाकुर नहीं बन सकता। पिताजी, अभी देखी ना मेरी मर्दानगी, इंसान और मुर्गी के बीच फर्क मैं भी नहीं जानता। कमला भाई। आई बाबू। सूप बहुत अच्छा था। क्या खुशबू है, खाइए। क्यों राजपाल, क्या हुआ, खाना खाओगे? क्या सुनो हुआ? कमला, क्या हुआ बोलो। अरे बोलो, क्या बात है? अरे अब बोल भी, क्या बात है? कमला भाई, थोड़ा घी। क्या हुआ कमला भाई, क्या हुआ? नहीं नहीं, बस बहुत बढ़िया खाना, सब कुछ यही है। हम कुछ देर खातिर बाहर जाकर आवते हैं। ओके, जाकर आइए, स्वीट चाहिए। बेटी उठो, क्या हुआ, कुछ बोलो, क्या हुआ? चुप क्यों, बोलो, किसने किया ये, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ मेरी बेटी को? हाँ? इसकी यह हालत किसने की? कहा था ना कि अब इस गांव में मौत नहीं होगी, फिर मेरी बेटी को किसने मारा, इसकी यह हालत किसने की? मत छुना इसे, मत छुना, दूर रहो मेरी बेटी से। अब तक इस गांव में गुलामी के चलते से मर्दों की ही जान जाया करती थी, लेकिन अब इस गुलामी ने मेरी बेटी की जान ले ली। क्या कर लिया तुम सबने, मेरी बेटी की जान चली गई, पर मैं बाबू के सामने रो भी नहीं पाई, कुछ कह नहीं सकी इस नाटक के चलते। बस अब बस हो गया, हमारे नसीब में खाना नहीं है, फिर भी हम बाबू के लिए खाना छोड़ रहे हैं।
मैं अपने आंसू पी गई, फिर भी उस बाबू के सामने नाटक करती रही। चाहे अब कुछ भी हो जाए, पर उस ठाकुर की मौत होनी ही चाहिए। कुछ करो, सब मिलकर कुछ करो, मेरी बच्ची। मुझे अंदर जाना होगा, बापू को खाना खिलाना है ना। मेरी बाप की बच्ची चली गई, चली गई। मासूम बच्ची को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ कि कल होने वाली देवी की पूजा में ठाकुर के अंत का शुरुआत जरूर होगा। सब काम शुरू कर दो, बजने दो घंटियां, बजने दो ढोल। फ्रेंड है समझकर बाय मिस्टेक। चैत्रा, चैत्रा, सॉरी बॉस, बाय मिस्टेक। सॉरी क्या? सॉरी बोला ना, सॉरी बोला है, सॉरी बोला ना बॉस। तुम्हारी बहन पर हार डालने वाले को क्या देख रहे हो भैया? मार डालो इसे। मार डालो, मार डालो क्या है? ए, अरे तू आज नहीं बचेगा। हो गया।
हालत खराब है। ठीक होने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा। नहीं, मेरा बेटा अभी उठना चाहिए। ये तो मुश्किल है सर। इसे जिसने भी मारा है वो अच्छी तरह से जानता है कि किन किन जगहों पर मारने से इंसान की हालत कितनी बदतर हो जाती है। कौन है वो? ये खून खराबा क्यों किया? पंडित जी, जैसा आपने बताया वैसा ही किया हमने। हाँ। जैसा बोला था वैसा ही हुआ, दोनों में झगड़ा हुई गवा। हाँ, लेकिन किसी को मत बताना कि इन सब की वजह मैं हूँ। आप भी हमारे बारे में किसी को मत बताना। हाँ, कसम खाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत हंसी छूट रही है। काम नहीं होगा, काम नहीं होगा कहते थे ना। देखा कैसा दिमाग लगाया हम। तो वो खेल खेलेंगे और हम देखेंगे। देखो जरा ठाकुर आ रहा है कि नहीं। नहीं। क्या हो रहा है, जब देखो मीटिंग करते रहते हो। तुम तो गजब हो। हमने फैसला कर लिया है कि हमारी बेटी तुम्हें को दूंगा। थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। आपने बोला था 10 दिन रुकने को, हो गए। अब मैं एक पल भी नहीं रुकने वाला। ठाकुर आ रहा है कि नहीं। कौन है वो? वो अमेरिका से आया साहब। गांव में एक नया आदमी आ गया और मुझे बताया भी नहीं। जो हुआ गांव वालों ने देखा? देखा साहब। तूने भी देखा क्या? मैं तो वहां पर देखा क्या? हाँ देखा था। वो मेरे बेटे को मार रहा था और तुम लोग सर्कस देख रहे थे। छोटे ठाकुर को मार खाते हुए देखने वाली आंखें अब इस दुनिया में और कुछ नहीं देखेगी। पर ठाकुर कौन है बे? रुक जाओ। ए, तुम ही हो ना ठाकुर? अरे तुम्हारी पूरी फैमिली मेंटल हो गई क्या? मेंटल? जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारा बेटा मुझे मारना चाहता था और तुमने उसकी आंखें फोड़ डाली, जिसका इस झगड़े से कोई संबंध नहीं था। झगड़ा मेरे और तेरे बेटे के बीच था। तेरे बेटे को चोट आई, तूने रिएक्ट किया, कोई बात नहीं। अगर तेरे में दम है तो पंगा मुझसे ले, गांव वालों से नहीं। वैसे तो तेरा और मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैंने गलती की थी, सॉरी बोला, तेरा बेटा नहीं माना तो मैंने मारा। मेरी नजर में ये बात खत्म हो गई। अब भलाई इसी में है कि तुम भी भूल जाओ। चलता हूं। नहीं, इसे मेरा बेटा ही मारेगा। सोलोमन ठाकुर के बेटे को मार कर तू इस गांव से जिंदा वापस जाएगा। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा उठेगा और उसी मंदिर में उन्हीं गांव वालों के बीच वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तब तक तुझे यहीं पर इसी गांव में रुकना ही पड़ेगा। हाँ, क्या बोला तूने? 7 दिन तक तुझे इसी गांव में रहना पड़ेगा। कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है? Stay back, stay back, stay back. Hey! सुनिए, वो उसका इलाज कर रहा है सर। ऑल सेट। मुझे खत्म करने के लिए 7 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अंदर मैंने मेडिसिन बता दी हैं। 3 घंटे में एक दवाई, ऐसे 24 घंटे देते रहना। मेरे साथ शेर को लड़ाएगा या कुत्ते को, यह तेरी मर्जी है। 24 घंटे में तेरे बेटे को मेरे पास भेज देना। दम है तो उतनी देर में आ जाना, या तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा या ये मेरे। ओनली 24 आवर्स, उसके बाद
शाबाश। में वो फिर रेडी, सेम प्लेस, मैं भी रेडी, तुम रेडी हो? एक गांव वाले ने तेरे बेटे को मार खाते हुए देख लिया तो तूने उसकी आंखें फोड़ डाली, अब तो तूने भी अपने राबिन कैसे है बिटिया? हमारी जरूरत ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है, वो ठाकुर हमारी जिंदगी से खेल रहा है बाबा, और हम रॉबिन की जिंदगी से खेल रहे हैं। उस ठाकुर और हम में क्या फर्क है बाबा, क्या फर्क है? वो गोली अगर रॉबिन के सीने में लगती तो उस ठाकुर ने अपने ही बेटे को मार दिया। वो कुछ भी कर सकता है बिटिया, हमें हमारी जान का परवाह नहीं, हमारा जिंदा रहना कोई जरूरी नहीं, तुम ही बताओ हम क्या करें। रॉबिन को सब सच बता देंगे, हम उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, उसे इस गांव से दूर जाना होगा। अगर ऐसा किया तो हमारी पूरी कोशिश मिट्टी में मिल जाएगी बहन। अगर मिट्टी में मिलती है तो मिल जाने दो, इस गांव को ठाकुर का श्राप लग चुका है। कल को रॉबिन को कुछ हो गया तो हम सब पाप के भागीदार होंगे, उसे सब सच बता देते हैं। सही कहा, बता देते हैं। चलो यहाँ जो कुछ हुआ है वो मैंने करवाया है, ये पता चलने से पहले ही यहाँ से निकल लूँ तो अच्छा है। पंडित रवि तेजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित रवि तेजा, पंडित कौन? मैं पंडित नहीं हूँ, मैं हूँ चुलबुल पांडे। Look at my face. शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। चलो अभी ओरिजिनल को बाहर निकालो, ये करना जरूरी है। हाँ जरूरी है। यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? तुम्हारे और ठाकुर के बीच झगड़ा लगाने वाला मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मेरे बीच में झगड़ा तुमने लगाया? ओरिजिनल बाहर निकल गया ना, अरे अब मेरा पीछा छोड़ो। साफ साफ बताओ। तुम्हारे उस किक से मैं इस गांव में आ गया। हाँ? और यहाँ गांव के लोगों ने मुझे बताया कि तुमने उनका जीना हराम कर रखा है। ठाकुर और तुम्हारे बीच झगड़ा लगाने से सबको ये लगा कि ठाकुर तुम्हें मार डालेगा, और इस प्लान को गांव वालों के साथ मिलकर तुम्हारे रवि तेजा ने गांव के मंदिर में बनाया। इसका मतलब ठाकुर और मेरा? अरे बाबू, रॉबिन बाबू, ठाकुर को तो। अरे बेवड़े शांत हो जा, प्लान के बारे में रॉबिन को पता चल गया। हाँ, हाँ, बताया? हाँ बता दिया। पर काहे पूरा प्लान बता दिए? हाँ भाई। यही तो हमारा प्लान था, ठाकुर को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान तुमने खुद बता दिया। पंडित जी तुम्हें मुँह में घी सक कर। असल में तुम लोगों का प्लान क्या है बाबूजी? ये पकड़ नहीं बता सकता। बता। स्टोरी शुरू हुई बल्लू से, पूरा का पूरा गांव ने प्लान बनाकर चैत्रा को तुम्हें पास भेजा, वो तुमका अपने जाल में फांस कर ही गांव में ले आई। रॉबिन को सच पता चल गया। आ, कौन बताया? अरे मैंने ही बताया। इतनी शांति क्यों है यहाँ? सब मर गए क्या? मुझे मौत के मुंह में धकेल कर सब अपने घर में जाकर छुप गए क्या?
मुझ पर अब ये देसी दारू पीने की नौबत आ गई है। साहब बाहर निकलो बे। जब मेरे पिताजी ने मुझे बोला तुझे इंडिया के बारे में मालूम नहीं, मैंने बोला मालूम है लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। तुम लोग सब बाहर निकल रहे हो या मैं पूरे गांव को आग लगा दूं। आ जाओ आ जाओ। चलो बाहर निकलो जल्दी जल्दी। What a performance! अरे उधर तो हॉलीवुड में बेकार में ही ऑस्कर देते हैं। तुम लोगों को तो थोक के भाव में ऑस्कर मिलना चाहिए। इस बंजर जगह में टूरिस्ट आते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है। ओहो ओहो, ये सोचकर तो मुझे बहुत बड़ा शौक लग रहा है। बाबू क्या बाबा? हाँ बाबा ठाकुर। बाबू हाँ या ना? उन दोनों में तो झगड़ा लगा दिया, फिर ये मीटिंग क्यों? बाबा बाबा बाबा, पैसा दे बाबा, पैसा दे बाबा। क्यों बे, क्या हुआ? पता चल गया। ये क्या बोल रहा है बाबा? वो कुछ नहीं है बाबा, मुझे सच पता चल गया है। अब तुम्हारा परफॉर्मेंस वेस्ट मत करो, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। कहाँ से ला रहे इसको? ऐसा कह रहा था ना तू मुझे। पागल तू नहीं रे, पागल तो मैं बन गया हूँ। ये देखो लिखा है यहाँ पर पागल। हमें माफ कर। बात मत करो। तुम झूठे हो, तुम्हारे लोग झूठे हैं, तुम्हारा गाँव झूठा है। ऐसा नहीं है रॉबिन। रुको, आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। सॉरी, अपने पास ही रखो। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने दिल से सिर्फ दो लोगों से ही प्यार किया है, एक खुद से और एक तुमसे। तुमसे तो बाजारों औरत अच्छी है, क्योंकि वो प्यार का नाटक तो नहीं करती है। अपना काम करवाने के लिए तुमने तो सारी हदें पार कर दी। कोई भी नहीं बोलेगा, साइलेंस। ठाकुर और मेरे बीच दुश्मनी करने के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया। तुम लोगों के लिए ठाकुर ही सही है। इंडिया ने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। मरो मरो, ठाकुर के हाथों मरो। विलासपुर थे। प्लान काम नहीं करेगा, पागल सुने ही नहीं, एक या दो नहीं, कितना झूठ कितना धोखा है। अरे पूरा गांव में एक भी मरद नहीं, और बहुत आसानी से कह दिया कि ठाकुर का आदमी लोग यहाँ का बच्चा लोग को उठा के ले जाता है और क्रिमिनल बना देता है। कितना बुरा बात है ना बाबू। अरे तुम्हारे गाँव में आने से पहले गाँव वाला तुम्हारा कम्फर्ट के लिए क्या क्या किया कुछ पता है आपको बाबू? अब ये सब चीज को धोखा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे बाबू? अरे वो चैत्रा के बाप को ठाकुर कोयता से मार दिया, अभी बात वो तुमसे छुपा लिया तो का इससे वो बाजारू औरत हो गई? इका धोखा है बाबू। अरे हम तो पहले से चिल्ला रहे थे धोखा मत दो, कहा कि धोखा से धोखा ही नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे मकसद में धोखा नहीं था बाबू। देखे नहीं काका किया वो लोग, मतलब कम्फर्ट के लिए क्या किया, तीन समय आपके पसंद का खाना देने के लिए। ये पूरा गांव का लोग केवल एक समय का खाना खाता था, क्या आपको पता है बाबू? कई सब धोखा है बाबू, और सबसे ज्यादा आपको कौन इंसान धोखा दिया पता है बाबू? कमला बाई, उसकी बेटी को ठाकुर का बेटा रेप कर दिया, उसको मार दिया। वही बात अपना पेट में छुपाकर आपको पेट भर खाना खिलाती रही, वो धोखा है ना बाबू? धोखा किस चिड़िया का नाम है उस सबको पता भी नहीं है बाबू।
वो ये सब अपना लिए नहीं किया, अपना बच्चा लोग के लिए किया था। एक भी बात मालूम पड़ गया ठाकुर को तो उनका बच्चा लोग को मार देगा, खत्म कर देगा। यही सब सोचकर हम कहते रहते थे पिलान कम नहीं करेगा, हमको भरोसा नहीं था। अब तो ही सच है, पिलान कम नहीं करेगा। जो भी कुछ हुआ उस सबको सपना समझ के भूल जाओ। हम पूरा गांव की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, उस सबको माफ कर दो बाबू, माफ कर दो। गाड़ी आ रहा, अब जाइए। मुझसे मेरे बेटे को मरवाया, रॉबिन हुड से मुझे भी मरवाना चाहते थे, क्या खेल खेला है। वाह, असली खेल तो अब शुरू होगा। अब हम खेलेंगे फुटबॉल। रेडी स्टेडी। रुको ठाकुर, अंपायर के कैसे खेलोगे ठाकुर? ये खेल मैं भी खेलूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। खेल शुरू होने के पहले मैं इनसे एक मिनट बात करना चाहूंगा। ए, तुम लोगों ने ठाकुर को धोखा दिया, वो तुम्हें मारना चाहता है ये बिल्कुल गलत नहीं है। वही धोखा तुम लोगों ने मुझे भी दिया तो मैं चुपचाप कैसे चला जाऊं? मैं वैसा इंसान नहीं हूं। तुम लोगों ने धोखा दिया तो मुझे गुस्सा आना चाहिए। मुझे गुस्सा नहीं आया इसका मतलब तुम्हारा धोखा झूठा था। सच बताओ, प्यार के नाम पे मुझे धोखा दिया या धोखे के लिए मुझसे प्यार किया? तुम्हारे अंदर जो जमीर है उससे बात करो, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं माफ कर दो बाबू, मैं माफ कर दो। ये कैसे लोग हैं ठाकुर? अब तुम ही बताओ, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया या प्यार किया? प्यार किया। इन्होंने प्यार किया, ये हुई ना। इनका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ठाकुर, कंफर्ट नहीं है। अब मेरी समझ में आ गया ठाकुर कि किक क्या होती है और किक से कंफर्ट क्या होता है। मेरे साथ में रहने वाले कंफर्टेबल हैं तो ही मुझे कंफर्ट है। अब तक इस गांव में 300 लोग थे, अब 301 है। ये विलासपुर अब मेरा गांव है। मुझे कंफर्ट नहीं है। उड़कर देख, ये है असली खेल।
मुझे सिर्फ माइंड डाइवर्ट करना ही नहीं, उसे रिवर्स करना भी आता है डॉक्टर। प्रॉब्लम किसका है? हमारा। तो मैं क्यों तुम्हारे बीच में आऊं? जिसका प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना चाहिए, बाहर वाला बीच में क्यों है? कुछ समझ में आया कि नहीं? अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो। करना जानते हैं, किसी की जान लेना नहीं। हम किसी की जान नहीं ले सकते। कहाँ जा रहे हो सब? I love Bilaspur. Hey, chalao mujhe!